आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आजमगढ़ में राज्यपाल कश्यप ने भाजपा सरकार के कार्यों और नीतियों को बताया गलत, झूठे वादे करने वाली है भाजपा सरकार। राज्यपाल कश्यप आजमगढ़ मेहंगढ़ गुरुवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बबार काउंसिल अध्यक्ष एडवोकेट अनिल वर्मा के निजी आवास पर समाजवादी पार्टी की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कश्यप समाज के अलावा अन्य वर्ग के लोग भी भारी संख्या में शामिल रहे। आजमगढ़ जिले में आयोजित समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे NLC व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप ने भाजपा पर कर निशाना साधा। जिले के रौदह हिमादपुर मेहंगढ़ में आयोजित सपा पिछड़ा वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछड़े वर्गों के हितों पर कुठाराघात किया है। योगी सरकार में पिछड़े वर्ग के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने का दुस्साहस किया है, जिसका पिछड़े वर्ग के लोग 2022 में मुंह तोड़ जवाब देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। लोकतंत्र व संविधान खतरे में। राज्यपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा के राज में लोकतंत्र व संविधान खतरे में है। यह सरकार डॉ भीमराव अंबेडकर के सपनों को रौंदने का काम कर रही है। पिछड़े और दलित समाज को नौकरियों से वंचित करने के लिए सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। बेगारी, महंगाई, अपराध से गरीब नौजवान छात्र कराह रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रदेश में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाए। राज्यपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा झूठे वादों की सरकार है, नौजवानों को नौकरी के नाम पर ठगा, किसानों और गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया। आज किसान अपना धान क्रय केंद्रों पर लेकर खड़ा है, खरीदने वाला कोई नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, व्यापारियों की हत्या की जा रही है, पिछड़े समाज के लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बबार काउंसिल अध्यक्ष अनिल वर्मा, कश्यप प्रदेश सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सुभाष वर्मा मास्टर, PM वर्मा, सुशील कश्यप, मयंक कश्यप पत्रकार, युवा समाज सेवी शैलेश वर्मा, कुशल कश्यप, डॉक्टर PK वर्मा, डॉक्टर सुरेश वर्मा, डॉक्टर संतोष, संतोष वर्मा मास्टर, गौतम प्रसाद मास्टर, सचिन वर्मा, सोनी के अलावा कश्यप समाज और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री अध्यक्ष और देव राम जी, प्रदेश सचिव सुनीता जी, आनंद जी तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मैं संदेश लेके मिले इसलिए क्योंकि BJP की सरकार को केंद्र में दो बार देख लिया, उत्तर प्रदेश में भी देख लिया और 3 बार गलती नहीं की जाती। गलती एक बार करे, अगर कोई आपने गलती की या एक बार आपने किसी की मदद की और वो गलत करा, उसकी बात नहीं, दूसरे बार मदद की और फिर भी गलत करे तो फिर तगड़े से डांटना चाहिए, और तीसरी बार मदद की और गलती करता रहे और आपने उसको सजा नहीं दी वो फिर आपको सजा मिलेगा। यही होगा। 2014 में वोट मिल गया, उनकी केंद्र में पूरी सरकार बन गई। उन्होंने पता नहीं झूठ ताज जितनी बातें हो सकती थी अनाप शना उन्हीं मुद्दों पे चुनाव पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं था। पता नहीं काले धब्बे और पता नहीं क्या क्या होता था, लगता था BJP आ जाने के बाद में हिंदुस्तान से जितने नौजवान सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जितने किसान एक मालामाल हो जाए, यही तो सपना दिखा है। जितने महिलाएं बच्चे हैं स्कूल चमचमाते हो जाएंगे, सब रोजी रोजगार, सब फैक्ट्रियां लग जाएंगी, यही तो सपना दिखा है। और पाकिस्तान लक्षित हो जाए, यही तो सपना दिखा है। पाकिस्तान नक्शे से हटा है, पता नहीं लगेगा कहां चला गया, लेकिन उनमें से तो कोई काम हुआ नहीं, लेकिन फिर गलती कर बैठे,
तब तक कहा युद्ध देखो तो मैं इतना काम करना चाहता हूँ, इतना पैसा भेजता हूँ, लेकिन यहाँ माननीय देश ही है, यहाँ हमारी सरकार ने इसलिए विकास नहीं रुका, रुक जा रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश को पूरा अच्छा बनाना चाहता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास रुक गया अखिलेश जी की वजह से। हमारी यहाँ सरकार बना दो तो हम आपके उत्तर प्रदेश को दुनिया में समर्पित करते हैं। तो जनता ने यहाँ भी सरकार 17 में भी 14 फिर 17 और 17 में भी चमक नहीं दिखा, तब तक 19 में फिर केंद्र में बैठा दिया। अब क्या करें, अब सजा उनको हम नहीं दिए तो उसी का गलती का खामियाजा है जो 350 का सिलेंडर था वो 1000 था, बता उसी गलती का खामियाजा है जो 55 और 65 रुपए में और 70 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलता था वो साइकिलों को पास, उसी का खामियाजा है कि 700 का तेल 200 रुपए में, उसी का खामियाजा है कि किसानों की बात सुनी नहीं जा रही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारी पार्टी को लाल टोपी को कहते हैं गुंडा, और उनका मंत्री गुंडई सरेआम कर रहा, धमकी दे रहा किसानों को, सबने वीडियो सुना होगा, उसके बाद में उनका बेटा जाके गाड़ी से कुचलने का काम करता है, कुचलने के बाद में रमन कश्यप पत्रकार था उसकी भी हत्या करने का काम करता है, उसके बाद में भी सरकार उनके साथ में खड़ी हथियारों के साथ में खड़ी है सरकार। ए भाई, किसानों के हथियारों के साथ में खड़ी सरकार, अब मंत्री आज तक बर्खास्त नहीं हुए, उसके बाद में अगर कोई पत्रकार सवाल पूछने पर पहुंच जाए तो उसको भी धमका है। ये है गुंडागर्दी की सरकार, और सरकार बताएगी लाल टोपी प्रधानमंत्री जी के लिए दे देगा, आम उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के लिए दे देगा, इतिहास दे देगा, क्योंकि 3-3 बार आपकी खूब वोट लिए, अब वोट लेने के बाद में सरकार बन गई तो लग रहा है बीजेपी ने अपने जेब से सरकार, अरे यही जनता